के पहाड़ी थाना प्रभारी उदयवीर चंदेल से मिली भगत के चलते गरीबों व असहाय को दबंगों द्वारा किया जा रहा है पीड़ित। पुलिस दे रही है बढ़ावा दबंगों को। आपको बता दें कि थानेदार कह रहे हैं, मेरे रहते हुए आप जिस घर में चाहे उस घर में कब्जा कर सकते हैं। यह है थाना प्रभारी पहाड़ी का दबंगई रवैया। थाने से चंद कदम दूरी पर रह रहे मंगलचंद के घर के ऊपर रात 3 बजे दर्जनों लोगों ने शराब से लथपथ होकर तमंचे लेकर प्रेमचंद उर्फ राजू को दिए किराए के कमरे से किराएदार की मदद से शटर का ताला खोलकर पीछे की मकान मालिक की दीवार को तोड़कर सामान को अस्त व्यस्त करते हुए जेवर सहित अन्य सामग्री चोरी कर ली। वहीं पीड़ित लोगों ने बताया कि उपस्थित लोग चंदन सिंह, मंगल सिंह के साथ लगभग 10 लोग अज्ञात खरीदे हुए गुंडों को लेकर मेरे घर में मेरी लड़कियों को गाली गलौज किए और जान से मारने की धमकी देते हुए रहे। अब देखना यह है कि शासन प्रशासन गरीब असहाय की सहायता करता है दबंगों की। सवाल यह भी है कि ऐसे लापरवाह अफसरों पर 166 या फिर 166A का मुकदमा लिखा जाता है या ऐसे लोगों को खुली छूट दी जाएगी जो थाने में बैठकर अपनी कुर्सी का गलत उपयोग करते हैं और जान से मारने की धमकी देते रहे। अब देखना यह है कि शासन प्रशासन गरीब असहाय की सहायता करता है दबंगों की। सवाल यह भी है कि ऐसे लापरवाह अफसरों पर 166 या फिर 166A का मुकदमा लिखा जाता है या ऐसे लोगों को खुली छूट दी जाएगी जो थाने में बैठकर अपनी कुर्सी का गलत उपयोग करते हैं। सवाल यह भी है कि ऐसे लापरवाह अफसरों पर 166 या फिर 166A का मुकदमा लिखा जाता है या ऐसे लोगों को खुली छूट दी जाएगी जो थाने में बैठकर अपनी कुर्सी का गलत उपयोग करते हैं। ऊपर चढ़ के मैं देखने लगी, दरवाजा बंद रहे हमारे, तो अब हम भीतर वाले इनका नहीं पहचान पाए हैं और मंगल सिंह और सब ठार रहे हैं बाहर। विवाद है या लड़ाई क्या है, मुकदमा चला रहा है। इसके बाद अब आप जबराई कर रही थी, गुंडाई कर रही थी, तो अभी इतने आदमी इनका हम लीक है, पैसा रुपया धरा रहा है, बिटिया के जेवर धाई रहा है, इनके चोरी वोरी कई लगे। पुलिस वाले बिटिया गई हैं, मैं नहीं घर से गई हूँ, और लड़का चाहगा तो वही हुई बैठा ली हूँ यही पहाड़ी थाने। जो हुई है सुबह 4 बजे घर पे पापा मम्मी नहीं थे, इस वजह से घटना हुई थी। घर में बच्चे ही थे, घर को तोड़ दिए थे और दरवाज़ा भी लगा लिए थे, जिसके कारण हम बाहर नहीं जा सके। हम दूसरे के यहाँ से कूद के गए हैं, तब इन्होंने दरवाज़ा खोला। 100 नंबर पे फ़ोन किया था, इसीलिए 100 नंबर वाले भी देर से आए हैं। थाने में भी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। सब कुछ होने के बाद फिर बाद में पुलिस आई है, पुलिस कुछ नहीं कर पाई। बहुत लोग घर का सामान रखा था, दुकान का भी सामान रखा था, पैसे भी रखे थे, पैसे ले गए हैं, दुकान का सामान भी इधर उधर बिखेर दिया, जेवर भी वहाँ से ले गए हैं, रखी थी सब कुछ ले गए हैं। अब हम सो रहे थे, हमसे तो चोरी में हुआ है, हमें मालूम नहीं है, इतना मालूम है इतना हम बता रहे हैं। सिंह थे मंग